टाइम की कैलकुलेशन, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसी का दो टाइमों के बीच का डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, या फिर कहें तो किसी का एज कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/10/1919 है और आज की डेट ए रही, इन दोनों के बीच में मुझे नंबर डिफरेंस चाहिए। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस आप इसको माइनस कर लीजिए, डिफरेंस आ जाएगा, पर डिफरेंस डे में आया। मुझे एग्जैक्ट चाहिए कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन में है। तो इसके लिए हमारे पास एडिंग्स का फॉर्मूला होता है डेट डी आई एफ। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसको डेटेड भी बोलते हैं, लेकिन ये होता है डेट डी आई एफ, डेट डिफरेंस। और एडिंग्स का फॉर्मूला इसलिए नीचे सजेशन में नहीं आता है। स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कीजिए, एंड डेट को सिलेक्ट कीजिए और यहां पे दीजिए क्या निकालना है आपको। मुझे निकालना है वाई, ये आ गया वाई, ईयर निकल गया। अब वापस सेम फॉर्मूला लगेगा मंथ के लिए डेट डी आई एफ, और इसमें हमने सिलेक्ट किया स्टार्ट डेट, सिलेक्ट किया एंड डेट, और यहां पे हमने दे दिया एम। अगर सिर्फ एम देते हैं तो डिफरेंस इन द मंथ आएगा, बट मुझे चाहिए 30 ईयर के बाद का जो है सो। उसके लिए मैं यहाँ पे वाई एम करूंगा कि वाई को इग्नोर करो और एम को दिखाओ। तो यहाँ वाई एम करने पे आपको यहाँ पे 3 आ गया। और सेम इसी तरह से डेट डी आई एफ, और हमने स्टार्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर दिया वाई एम। यहाँ पे एम डी होगा, मंथ को इसको इग्नोर कीजिए और डी को दीजिए। ये निकल गई आपकी कि कितने साल, कितने महीने और कितने दिन है। क्लियर है तुम भी रवि जी? डाउट इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, लिखते ही आपका एम पी एम ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे मुझे अभी का टाइम देना है, तो अगर मान लीजिए मैं 6:20 लिख के एंटर मारा, तो ये आपको 6:20 ए एम शो कर देगा। इसलिए आप यहाँ डालिए 18:20, देन आपका देखिए 6:20 PM आ गया। या फिर 6:20 ही डाल रहे हो तो स्पेस मार के आप PM लिख दीजिए, लिखते ही आपका यहाँ पे PM आ जाएगा। 60 हो गया, इसलिए यस डेट में टाइम में कन्वर्ट नहीं हुआ। राइट सर, यस सर अब इसी में आगे बढ़ते हैं। मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम में से आवर को अलग करना है, तो आवर लीजिए, ये टाइम अलग कर देगा। किसी को मिनट करना है तो मिनट लीजिए, मिनट में से अलग कर देगा। और फिर वापस सेकंड लीजिए, सेकंड में से सेकंड को अलग कर देगा। और फिर टाइम फॉर्मूले लीजिए, आप इन आपस में इनको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपने डेट को किया था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ मिनट सेकंड कैसे जोड़े जा सकते हैं। मुझे 10:30 पे मान लीजिए मुझे 15 मिनट जोड़ने हैं। अगर 15 मिनट को अगर आपने टाइम फॉर्मेट में रखा हुआ है, तो इसको आप इजली जोड़ सकते हैं। लेकिन उसी 15 मिनट को आपने नंबर फॉर्मेट में रखा, तो एक्सेल में क्या होता है, A1=24 hour। तो ये आपका 15 × 24 hour हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें 0 hour 15 second and 0 minute करेंगे, देन यू कैन एड इट। डिफरेंस की बात करें तो यहां हमारे पास टाइम है 10:30 और यहाँ पे टाइम है मान लीजिए शाम के 6:30। और मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, सेम डे का है, इसलिए आप इसको माइनस कर सकते हैं। समझे? यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर डिफरेंट डेट का हुआ तो क्या करेंगे, तो डेट एंड टाइम इकट्ठा होना चाहिए। जैसे कि आपका 7 तारीख को रात के 11:20 और 8 तारीख सुबह 9:30, उनको आपस में डिफरेंस निकाल सकते हैं। राइट सर, क्लियर है? यस बट यहाँ पे सर 0.4236। आप इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, टाइम आ जाएगा आपका। समझ हाँ ओके। यस गए? सर।
चीज इसमें है, दो चीज का रिसर्च। आज मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, टेस्ट मैं आपको कल दूंगा, आज आपको दो चीज का रिसर्च दे रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला डेट एंड टाइम और जो फॉर्मूले हैं उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन दो रिसर्च देता हूँ। ओके दो रिसर्च क्या ऐसा नहीं है, दो रिसर्च ये है कि हम टाइम को माइनस नहीं कर सकते, समझ गए? न्यू मतलब कि आपका 9:20 है और ये आपका 12:30 है, तो आप जो है 12 में से 9 को माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप 12 में से 1 किसको माइनस नहीं कर सकते, सॉरी उल्टा नहीं कर सकते। 9:20 - 30, बात उल्टा, ये करेंगे कुछ दिखेगा ही नहीं, इस तरह का दिख जाएगा। बट मुझे ओके मुझे कहीं पे ये दिखाना है कि आखिर कितना घंटा वो माइनस में लेट चल रहा है, बात समझ रहे हैं? हाँ ओके कितना घंटा वो लेट चल रहा तो माइनस है, में तो आप कैसे आप लोअर डेट में से अपर डेट को घटाएंगे? ओके समझे? सर लोअर डेट में से अपर डेट कैसे माने? टाइम, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं होता है, क्योंकि कभी भी टाइम, लेकिन अगर मैं जैसे लोअर में से अपर, तो फिर जो टाइम अगर मतलब रिसर्च करने के बाद मतलब टाइम माइनस में आता है या फिर कैसे? मुझे यहां टाइम माइनस में चाहिए। ओके जैसे टाइम को माइनस में, आप सोच रहे हैं ना कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल लगा देता हूं क्या? बट तो टाइम माइनस में नहीं जाएगा, ये आपका रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च करें। दूसरा, मान लीजिए ओके 45 घंटे 20 मिनट हमने किया है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू मिनट। दो रिसर्च, समझे रिसर्च क्या है? यस सर कन्वर्ट टाइम टू इन द मिनट या सेकेंड, समझ गए ना? ओके तो कन्वर्ट यस निकालना है, और दूसरा आपको टाइम को माइनस करने का चाहिए हमको खुदा, ठीक है? इस वजह ओके से फिर कल हम जो है आपके साथ एक्सेल की टेस्ट